देख सकते हैं फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंच गई है और यहाँ पर अभी भी पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ पर मौके पर तैनात हैं और हल्का हल्का धुआं है, इस वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर आई है और अभी भी जो है अंदर एक तरह से कहा जाए जांच की जा रही है। फिलहाल स्थिति यह है कि यहाँ पर तमाम एंगल से इन्वेस्टिगेशन जो क्राइम ब्रांच की शुरू होगी, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में अब देखना यही होगा कि आगे क्या जो है वो रहता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि 43 लोगों की मौत हुई, ऐसे में मुकदमा भी दर्ज हो गया है, जांच भी की जा रही है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा वाकया सामने, उससे कई सवाल अब खड़े हो गए हैं और खासकर इसी जगह पर हम मौजूद हैं, ये वो बिल्डिंग है जहां पर ये पूरी आग लगी थी। पूरा आपको मैं दृश्य दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा पूरा दृश्य दिखाए। फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहां पर मौके पर मौजूद है, जांच जो है वो की जा रही है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा वाकया सामने आया उससे तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। आप देख सकते हैं आसपास की गलियां कितनी संकरी हैं और कितना ज्यादा तारों का मकर जाल है, इस वजह से शॉर्ट सर्किट इनिशियली ऐसा लग रहा है हुआ और उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। बहरहाल अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच की जा रही है, वो लगातार चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित यादव भी मौजूद हैं जो सुबह से इस पूरे मामले को ट्रैक कर रहे थे। अंकित, रात में पूरा डेवलपमेंट बताइए क्या क्या? जी देखिए, रात भर जो आग थी वो शांत रही, पुलिस की टीम यहाँ मौजूद रही, लेकिन तड़के सुबह एक बार फिर से यहाँ पर आग लगी और धुआं तीसरी मंजिल से निकलने लगा, जिसके बाद यहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। चार गाड़ी अब तक यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन चूंकि रास्ता इतना सकरा है, एक एक करके गाड़ी आ रही है और अभी आप देखेंगे एक गाड़ी है, अब वो ये लोग वापस जा रहे हैं और फिर दूसरी जो गाड़ी है वो यहाँ से आएगी, क्योंकि जो आग है वो तीसरी मंजिल में अभी भी धधक रही है। जाहिर है जैकेट और टोपी बनाने की ये फैक्ट्री थी, तो आसपास भी दो तीन फैक्ट्रियां थी, इस वजह से जो आग है वो पूरी तरह से शायद बुझ नहीं पाई। यही वजह है कि सुबह 5 बजे एक बार फिर से जो आग है वो एक बार धधक उठी और तेजी से धुआं निकलने लगा है। तो आप देख सकते हैं, अंकित बता रहे थे, पूरी जानकारी दे रहे थे, अभी भी फिलहाल यहाँ पर आप हालात देखिए कि यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद है, हल्की हल्की आग धधकी की जो अब ऑलमोस्ट कंट्रोल हो चुकी है। फिलहाल स्थिति यह है कि यहाँ पर जांच पूरे मामले की जा रही है, क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन है, लोकल पुलिस यहाँ पर तैनात है और फायर कर्मी जो है एक तरह से कहा जाए ऑलमोस्ट कंट्रोल सिचुएशन में है। फायर हल्की सी धक्की थी और ऑलमोस्ट कंट्रोल भी कर ली गई है, एक ही गाड़ी जो थी वो यहाँ पहुंची थी और फिलहाल स्थिति है कि यहाँ पर तमाम कर्मी मौजूद हैं जो पूरे मामले की जांच भी और तहकीकात कर रहे हैं।